सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, फ्री फायर का नया अपडेट आने वाला है, वो भी आज ही चालू हो जाएगा, इसलिए अभी फ्री फायर चालू नहीं हो रहा है। सो गाइस, नए अपडेट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इस वीडियो में, आपको पूरी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को अभी स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सो गाइस, फ्री फायर चालू होते ही ये इस प्रकार से आ रहा है, मतलब फ्री फायर अभी चालू नहीं होगा, ये शाम को 5 या 4:30 के करीब चालू हो जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं फ्री फायर में आपको क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेगी, उसके बाद में बात करते हैं बैटल रॉयल की। सो गाइस, बैटल रॉयल में आपको जो वेंडिंग मशीन मिलती थी जिससे आप ग्लोवल खरीदते थे, वो अभी एयर ड्रॉप से नीचे भी गिरेगी भाई, एरोप्लेन उसको गिरा के जाएगा और वहाँ पर आपको मिलेगी वेंडिंग मशीन। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा, कहीं पर भी कभी भी दो बूंद जिंदगी की। उसके बाद रिवाइवल पॉइंट की बात करते हैं, ये अभी मतलब कूल डाउन है इसका बढ़ा दिया गया है, और इसका आपको मतलब मैप के अंदर भी दिखेगा ये कितने टाइम में चार्ज होने वाली है रिवाइवल पॉइंट। तो इसमें ये मुझे सही लगा, और जोन आ जाता था, जोन में कई सारे बंदे टपक जाते थे, इतना मतलब जोन लाइफ काटता था, उसको थोड़ा ठीक किया गया, अभी लाइफ इतनी नहीं काटेगा जोन। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया काफ़ी सही। पहले तो बात करते हैं ट्रेनिंग में आपको कई सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, कई चीज़ें गायब भी कर दी गई है। अभी कैरेक्टर और पेट की बात कर लेते हैं। सो गाइस, क्रोनो की पावर है वो कम कर दी गई है, और क्रोनो की पावर चलती थी 8%, अभी वो चलेगी 5%। भाई ये बड़ा खतरनाक कर दिया, गंदा सा अपडेट। और उसके बाद में क्रोनो चार्ज होता था 170 सेकंड में, अभी भाई 220 सेकंड में चार्ज हो गया। भाई ये चार्ज होगा नहीं होगा, हम वेट करेंगे अगले दिन का, भाई ये चार्ज होगा, सच में होगा। रुको जरा, सबर करो। वुकोंग के लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज ये है कि वुकोंग में जो हम पावर यूज करते थे तो वुकोंग चलता था धीरे धीरे धीरे, अभी है वुकोंग को आप लगाने के बाद भाई 20% आपकी स्पीड बढ़ा दी गई, आप आराम से भागने जितनी स्पीड में चल पाओगे वुकोंग लगाने के बाद। एंड्रयू करेक्टर की पावर घटा दी गई है, पहले ये 14% तक डैमेज को रिडक्शन करता था, यानी कि कम करता था, बट अभी ये 11% तक करेगा, इसकी एंड्रयू की पावर कम कर दी गई है। शिरू करेक्टर जो आपको करेक्टर की सामने वाले एनिमी इसकी पोजिशन बताता था, जो आप पर फायर करता था वो उसकी पोजिशन बता देता था, बट वो 20 सेकंड तक काम करता था। ठीक है दोस्तों, मतलब 20 सेकंड में चार्ज हो जाता था, और अभी ये 10 सेकंड में चार्ज हो जाएगा, ये मुझे काफी सही लगा है, ये काफी सही है। अभी बात करते हैं जिनके पास जे करेक्टर है उनके लिए है, उनको एक मिलेगा मैक्रो चिप, क्योंकि जे करेक्टर की एबिलिटी है कि वो आपकी गन को रिलोड कर देता है जल्दी से, बिना रिलोड पे जाए, मतलब कि उसकी गोलियां फुल कर देता है, तो वो ही है, इसकी रिलोड स्पीड और बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक ट्रीटमेंट स्नाइपर, भाई स्नाइपर आप चलाते हो AWM होगी हमारी, MA2 भी होगी, तो वो स्नाइपर है, तो आपको नई स्नाइपर देखने को मिलेगी जिसका नाम है ट्रीटमेंट स्नाइपर। इसमें आपको डैमेज मिलेगा 70 का और हील 50 का, भाई एक गोली मारो अपने दोस्त को सीधी 50 HP उसको मिल जाएगी, और इसकी रेट ऑफ फायर 0.45, ये काफ़ी कम है बट स्नाइपर की इतनी ही होती है। स्पास बार की रेंज बढ़ा दी गई है, ये मुझे काफ़ी सही लगा। उसके बाद में है FFK नाइफ, यानी कि हमारा चक्कू, तो चक्कू का डैमेज है वो बढ़ा दिया गया 50%, और इसकी रेट ऑफ फायर भी 20% बढ़ा दी गई है, क्योंकि भाई ये टक टक चलता था, अभी ये चलेगा टक 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 जल्दी से ख़त्म। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ग्रेनेड है, ग्रेनेड की पावर 25% कम कर दी गई है, और P90 की रेंज 10% बढ़ा दी गई है, और हमारे AWM बहुत कम लोग यूज करते थे, बट अभी आर्मर पेनेट्रेशन उसमें 8% बढ़ा दी गई है, यानी कि उसमें जो विस्ट पेनी होगी वो जल्दी से तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, तो ये काफ़ी सही है। SKS में भी नया अपडेट आ चुका है, SKS चलाने वालों के लिए गुड न्यूज़, अगर आप SKS चलाते हो नॉर्मली बिना स्कोप खोले तो नॉर्मल डैमेज आएगा, बट आप स्कोप खोल के चलाओगे तो भाई 25% एक्स्ट्रा डैमेज देगी हमारी SKS। जो बंदे वेक्टर चलाते हैं उनके लिए बैड न्यूज है, क्योंकि रिलोड स्पीड इसमें 20% कम कर दी गई है, भाई कल परसों तक तो रिलोड हो ही जाएगी। उसके बाद रेट ऑफ फायर भाई 5% कम कर दी गई है, MO 5% कम कर दी गई है, रेट ऑफ फायर 20% कम कर दी गई है, मोमेंट स्पीड 4% कम कर दी गई है, यानी कि भाई ये तो घटी है। अभी हमारी गिल्ड है उसमें भी नया इंटरफेस यानी कि नया सिस्टम देखने को मिलेगा, सामने ही सब चीज़ें दिखाई जाएगी जो कि काफ़ी ओपी दिखने वाला है। आपको ये क्लेश कोड में ये वाली गन मिलने वाली है एकदम फ्री में, हमारी गोल्डन, हमारी M4A1 गोल्ड कलर की, ठीक है ये आपको फ्री में मिलेगी। उसके बाद में वेंडिंग मशीन वाला मैंने आपको बता दिया था, ये एयर ड्रॉप में भी अभी गिरने वाले हैं। उसके बाद में वुकोंग की पावर कम कर दी, वुकोंग की पावर बढ़ा दी गई है तेज चलने की, सारा मैंने अभी आपको दिखा दिया था। उसके बाद में ये है हमारी स्नाइपर भाई, ट्रीटमेंट वाली स्नाइपर गन, तो ये मुझे काफ़ी ओपी लगी। और ये बुया इवेंट आने वाला है 20 तारीख को, ठीक है दोस्तों 20 नवंबर को ये बुया इवेंट आएगा, और नवंबर पे भाई खतरनाक इवेंट चलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताया था एक नया मोड चालू होने वाला है, ये रही फोटो भाई, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हो, इसका नाम है क्राफ्ट लैंड। इसमें आप अपनी तरफ से घर बना सकते हो, अपनी तरफ से
कुछ भी बनाना चाहो बना सकते हो। पूरा रेडी करने के बाद में आप अपने दोस्त को बोल सकते हो आ जाओ वन बाय वन करते या फिर गेम खेलते इसके अंदर। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, इसका वेट रहेगा हम सबको। सो गाइस इतना ही अपडेट था, आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि सबसे अच्छा अपडेट आपको कौन सा लगा। सो गाइस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। थैंक यू।